दिस इज़ अ रीप्ले ऑफ पार्ट 2। एंड आगे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो लाइक बटन प्लीज़ दबा दीजिए एंड कमेंट भी कर देना अगर आपको टाइम लगे। सो लेट्स कंटिन्यू। बुलेट मार्क मतलब इधर ना गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने, सो आपको वहाँ पे दिख जाएगी। साफ शब्दों में लिखा है इस बारे में कि दिस इज़ अ बुलेट मार्क। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस पर गोलियों की 36 चिन्ह है जिसे जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है जो मतलब जो शहीद हुए थे शोल्डर्स और पीपल लोकल पीपल उनके लिए ये बिल्ड किया गया था, उनकी याद में ये बिल्ड किया गया था पूरा का पूरा। जो मैंने आपको पहले दिखाया है, पहले मुझे पता नहीं था कि ये किस लिए है, फिर मुझे भैया ने बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये उनकी याद के लिए बनाया गया था। भैया सो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मतलब देयर इज सो मेनी फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ गिवन बाय द कम्युनिटी दैट देयर इज अ डस्टबिन ओवर देयर, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सिटिंग अरेंजमेंट गिवन है, यहाँ पे भी गोलियों के निशान है। पहले जो गोलियों के निशान थे वही यहाँ पे है। यू कैन सी नीचे भी हैं बहुत सारे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। दिस इज द सेलिब्रेशन ग्राउंड। मे बी मुझे इतना कुछ पता नहीं है। मे बी सेलिब्रेशन ग्राउंड देखो 1 2 3 4 5 6 जीवन एक संपर्क है, चाहे वो किसी मनुष्य का हो वह राष्ट्र का है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके ये गुलिस्तान हमारा। सेलिब्रेशन ग्राउंड मतलब आई डोंट केयर अबाउट द सेंटेंस ऑफ द डेथ, इट मीन्स नथिंग एट ऑल। आई डोंट केयर अबाउट डाइंग और एनीथिंग, वी आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई। ओके, ये एक जगह है जहाँ पे मतलब इसका मतलब यही लगा हुआ है कि भाई भगवान सिंह ने यही लिखा हुआ था कि इधर इस जगह पे उन्होंने क्या किया था, इन लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ भड़काया था। खिलाफ मतलब अपनी देश को आज़ाद करने के लिए बताया गया है। इधर सारी चीज़ें लिखी हुई है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, माई कंट्री मैन बिकम वन नेशन, होल्ड द स्वॉर्ड। ये सेलिब्रेशन ग्राउंड है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक सेलिब्रेशन ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे लोगों को गुलामियत के लिए रखा गया था ब्रिटिश एम्पायर ने, और इधर ही जगह इन सब ने भाई भगवान सिंह, गांधी जी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर एक उम्मीद जगाई थी कि हाँ हम अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। दिस ऑल वी आर गोइंग टू एग्जिट दिस बॉर्डर। ओके, बाय बाय।